तो आखिरकार वो नाम सामने आ चुका है जिसको लेकर पिछले काफी दिनों से पशुपेत चल रहा था दोस्तों, स्पीकर। जी हाँ, लोकसभा के स्पीकर कौन होंगे अब इस बात पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि स्पीकर के नाम के ऐलान से पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा धमाका कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को सीधे निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी ने हमारे लीडर का, हमारे नेता का अपमान किया है। दरअसल आज सुबह से ही खबरें चल रही थी कि ओम बिरला ही लोकसभा के दोबारा से स्पीकर एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर हो सकते हैं और इसे लेकर लगातार प्रधानमंत्री का जो कार्यालय होता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर बैठक भी चल रही थी। उसमें अमित शाह मौजूद थे, राजनाथ सिंह मौजूद थे, निर्मला सीतारमण मौजूद थी, इसके अलावा मोदी जी खुद मौजूद थे और उसके बाद वहाँ पर ओम बिरला को बुलाया गया और बताया गया कि आप एनडीए के उम्मीदवार होंगे। लेकिन इस बीच बड़ा धमाका तब हो गया जब राहुल गांधी सामने आ गए ये कहते हुए कि राजनाथ जी ने, जी हाँ, राहुल गांधी ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बातचीत की कल और उन्हें बताया कि हम चाहते हैं कि लोकसभा स्पीकर को लेकर कोई चुनाव ना हो और हम आपको डिप्टी स्पीकर, मतलब विपक्ष को, कांग्रेस पार्टी को नहीं, विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अगले ही पल इस बात को आगे बढ़ाते हुए बड़ा धमाका कर दिया है कहते हुए कि अभी तक हमारे नेता को उसके बाद फोन नहीं आया है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से जब बात की थी तो ये कहा था कि हम आपको रिवर्ट बैक करते हैं, यानी कि उसके बाद हम आपको कॉल बैक करेंगे इस पूरे मसले पर। दोस्तों उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर राजनाथ सिंह से साफ तौर पर कह दिया, जो कि राहुल गांधी ने बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हम आपके जो एनडीए का जो लोकसभा का स्पीकर के तौर पर उम्मीदवार होगा हम उसके समर्थन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है और विपक्ष चाहता है कि यूपीए के दौरान भी डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास था, तो डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए। और इस बात को लेकर राहुल गांधी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजनाथ जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे, मतलब कॉल बैक करेंगे। लेकिन पूरी रात गुजर गई, सुबह गुजर गई, लेकिन अब तक खड़गे साहब को फोन नहीं आया है। इस बात को लेकर राहुल गांधी अच्छे खासे नाराज दिखे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में बड़ा अंतर है। वो कहते हैं कि उनको कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन चाहिए, एक ऐसा अपोजिशन चाहिए, ऐसा विपक्ष चाहिए जो सहमति और आम सहमति से बातचीत करे। हम तो सहमति के लिए तैयार हैं, हमें फोन पर बताया भी गया कि हम लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पर किसी का चुनाव नहीं चाहते, हम डिप्टी स्पीकर की बात हमने राजनाथ जी के आगे रखी, लेकिन अब तक खड़गे साहब को फोन नहीं किया गया है और हमारे नेता का अपमान किया गया, ये कहते हुए राजनाथ सिंह पर बड़ा आरोप लगा दिया है राहुल गांधी ने। इस बीच अखिलेश यादव भी जब पार्लियामेंट में जा रहे थे तो मीडिया से उन्होंने भी बात की और उन्होंने भी कहा कि विपक्ष साफ तौर पर अपनी मांग रख चुका है कि डिप्टी स्पीकर का पद तो हमको चाहिए ही चाहिए। अखिलेश यादव से आगे बातचीत करने की कोशिश की मीडिया वालों ने, लेकिन अखिलेश यादव अपनी बात पर अडिग थे, आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। बस उन्होंने ये बोला कि हमारी बात हुई है और हम अपनी बात कह चुके हैं कि डिप्टी स्पीकर का पद तो हमें चाहिए। यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, साफ तौर पर अपनी बात रह चुके हैं कि इससे कम किसी भी हाल में विपक्ष मानने को तैयार नहीं। लेकिन इससे आगे बढ़कर राहुल गांधी ने मोदी जी पर सीधा हमला बोल दिया है कि मोदी जी कहते कुछ और है, करते कुछ और है। राजनाथ जी ने जब फोन किया खड़गे साहब को और कहा कि मैं आपको रिवर्ट कॉल करता हूं, दोबारा फोन करता हूं, लेकिन फोन नहीं आया अभी तक। फोन क्यों नहीं आया? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि लोकसभा स्पीकर, जिसका कल चुनाव होना है, जिसका आज नामांकन होना है, इसको लेकर जो जबरदस्त तरीके से तकरार दिख रही है, ये कहां जाकर रुकेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।